कराची में अब्दुल्ला हारून रोड फरमामूली से दफ्तर से शुरू होने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की नंबर वन एजेंसी कैसे बन गई। विकिपीडिया ने 2016 में टॉप 10 सीक्रेट एजेंसीज में पाकिस्तान को नंबर वन पर रखा। हालिया पाक भारत कुशीदगी में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले की इतला ISI ने चंद मिनट में हासिल कर ली, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने टाइम जाया किए बगैर 9 टारगेट्स मिसाइल पर लॉक किए और जेट्स की मदद से बम भी गिराए, जिसने भारत इसराइल और अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ISI मुल्क की एक ऐसी आंख है जिससे मादरे वतन के खिलाफ होने वाली कोई साजिश। इदारे हुकूमत के आला एवानों में ये बहस शिद्दत से जारी है कि पाकिस्तान पर भारतीय हमले का मंसूबा पाकिस्तानी सुप्रीम इंटेलिजेंस ISI के इल्म में कैसे आया, कौन था जिसने फौरी तौर पर पाकिस्तान को इससे आगाह किया और जवाबन पाकिस्तान ने मंसूबे को अमल में आने से पहले डिफ्यूज कर दिया। 27 फरवरी की रात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहाइश पर एक अहम जंगी इजलास में तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान, भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दवाल, सेक्रेटरी दफा और भारतीय खुफिया एजेंसियों के सरबराह मौजूद थे। वज़ीर आज़म से बराह रास्त मशावरत के लिए फौज के सरबराह और मुशीर कौमी सलामती गुफ्तगू में शरीक थे, जबकि दीगर अहदेदारों को जरूरत पड़ने पर मालूमात लेने के लिए स्टैंड बाई पर रखा गया था। इजलास में फैसला हुआ कि 2 तैयारे गिरने से जो सुबकी हुई है उसका अजाला किया जाए। इजलास में 2 मनसूबों पर इत्तफाक राय हुआ। पहले मनसूबे में पाकिस्तान के 12 अहम मुकामात पर ब्राह्मोस मिसाइल दागे जाने थे, जबकि दूसरे मनसूबे के मुताबिक जो पहले मनसूबे के बाद अमल में आना था, चोलिस्तान, बावलपुर और सिंध में भारतीय फौजी दस्तों को सरहद अबूर करके पाकिस्तानी तनसीबात और मुकामात पर कब्जा करना था। पाकिस्तान के जिन मुकामात को मिसाइल का हदफ बनाना था इनमें फौजी और सिविल दोनों हदफ शामिल थे। हदफ में कराची और पन्नू आकल छावनी भी आती थी। इजलास के 2 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी खुफिया अदारे ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर का टेलीफोन भारतीय एजेंसी के सरबराह को आ गया। पाकिस्तानी जनरल ने वाचगाफ अल्फाज में भारतीय हमले का मंसूबा बेनकाब किया और कहा कि अपने बड़ों तक ये पैगाम पहुंचा दें कि अगर भारत ने हमला किया तो उसे 3 गुना ज्यादा कुव्वत और रफ्तार से जवाब दिया जाएगा और ये के जवाब इससे कहीं ज्यादा संगीन होगा जितना भारत सोच सकता है। जरिए का इसरार है कि ये पैगाम भी दिया गया कि अगर भारतीय फौजी दस्तों ने पाकिस्तान की सरहद अबूर की तो पाकिस्तान एटमी हथियार इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। इनके औसान खता हो गए और उन्होंने वक्त जाया किए बगैर आर्मी चीफ को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। जरिए के बकौल भारतीय आर्मी चीफ ये सुनकर बौखला गए और अपने मातहत पर बरस पड़े। इनका सवाल था ये इतला पाकिस्तान कैसे पहुंची, जबकि रात गए ऐवान वज़ीर आज़म की टेलीफोन की घंटियां भी बजना शुरू हो गई। मनसूबा कम लगभग अफशा होने से आला भारतीय क्यादत बुरी तरह बौखला गई और इसने रद्द अमल से डर कर मनसूबे से हाथ उठा लिया। वाजिया रहे कि इस मनसूबे में इसराइल की मुशावरत भी शामिल थी। जरिए का कहना है कि ये सब तो गुजर गया लेकिन बाद में पता चला कि भारतीय हमले की इतला सारे पाकिस्तान के अवाम को हो चुकी थी और वो सब बड़े बलबले से हमले और जवाबी हमले का नजारा करने के लिए बेताब थे। नदी के बकौल इस सूरत हाल पर वज़ीर आज़म मोदी ने शदीद तरीन रद्द अमल का इजहार किया और हुक्म दिया कि मनसूबे का कबल अज़ वक्त अफशा करने वाले का सुराग लगाया जाए। ताहम जरिए के बकौल भारतीय खुफिया अदारे ताहाल ऐसा कोई निशान ढूंढने में नाकाम रहे हैं। नरेंद्र मोदी की रहाइश का हर तरह से महफूज है। 1 से ज्यादा खुफिया अदारे मुसलसल इस बात का एहतमाम करते हैं कि वज़ीर आज़म की रहाइश गाह से कोई बात बाहर ना निकले। इसके लिए जदीद तरीन मुवासलाती आलात से लेकर इंसानों और जानवरों तक से काम लिया जाता है। भारतीय खुफिया अदारे के मजकूर अफसर का कहना था इजलास में सिर्फ वो अफराद शरीक थे जिनकी हुब्बुल वतनी शक व शुबे से बालातर थी, लिहाजा इंसानी गलती या साजिश का इम्कान तो ना होने के बराबर था। इस वाक़े ने भारतीय अफवाज, खुफिया अदारों और हुकूमत को जड़ से हिला दिया है। वज़ीर आज़म ने यही सवाल खुफिया अदारों के सरबराहान के साथ इजलास में उठाया था कि जब इतने खुफिया और अहम इजलास की रौदात पाकिस्तान को मिनटों में पहुँच सकती है तो वो कौन सी बातें महफूज होंगी। ताहम हकीकत कुछ भी हो ISI की इस्तेदाद को दाद देनी पड़ेगी जिसने एक बार फिर न सिर्फ अपनी बर्तरी साबित कर दी है बल्कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अवाम को मोदी की इंतहा पसंदी की भेंट चढ़ने से बचा लिया है। अदनान समी, हिदत न्यूज़, कराची।